हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फाइनेंस। टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड सर्वेश। तो आज हम बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। एंड HDFC के बारे में पहले भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं। वी विल नॉट डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। हम अभी के हाल फिलहाल में थोड़ा फॉल डाउन आया है उस पर बात करेंगे और यहाँ से देखेंगे ताकि अपसाइड पोटेंशियल है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नो डाउट काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस का। इंडिया में अभी कुछ हुआ ही नहीं है पेनिट्रेशन, और आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है इंश्योरेंस सेक्टर में, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आपका जनरल इंश्योरेंस ले लो, या फिर आपका कोई भी इंश्योरेंस ले लो, पर इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करेगा फ्यूचर में। तो मुझे ऐसा HDFC लाइफ इंश्योरेंस का काफ़ी अच्छा सिक्योर लग रहा है, और बिकॉज इनके पास टर्म प्लान भी है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी है, और प्रोसेस काफ़ी अच्छी है, और नो डाउट इंडिया की काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो दिस वॉज द HDFC के बारे में बताया मैंने। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कंपनी एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मिल रही है मुझे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा डिस्क्लेमर रहेगा कि यहाँ पर मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। प्लीज़ आप अपना डिलीजेंस अवश्य करें। एंड अगर हम देखें HDFC लाइफ इंश्योरेंस का जो स्टॉक का प्राइस है करंट में, इट इज़ ट्रेडिंग 578, और आज भी 1.41% का डाउनफॉल रहा। और अगर हम देखें तो स्टॉक इज अवेलेबल ऑन द प्राइस ऑफ फरवरी 2022, और थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो सितंबर 2019 की रेंज में आपको स्टॉक मिल रहा है। और अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो वी कैन सी दैट कि ये अभी बहुत ज़्यादा चीपेबल मिल रहा है। अगर हम देखें तो मई 18 की रेंज में मिल रहा है, अगर मई 18 से थोड़ा बहुत बढ़ा है, 545 से 578, नो डाउट ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो अगर हम देखें तो पिछले पाँच साल में स्टॉक्स ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। रिटर्न मिला लोगों को जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग का मेथड अपनाया होगा, उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया होगा, बट अभी वहीं पे मिल रहा है, फिर 578 आ गया, अभी क्या करना चाहिए। सो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप देखें तो कंपनी की 1,24,586 करोड़ है, और HDFC पूरा ग्रुप अभी तरह से डाउन है। HDFC बैंक भी खराब हो गया, लोग समझने लगे, HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी ऐसा ही हो गया। HDFC EMC 1700 रुपये में था, 1800 रुपये तब मैंने कहा था बाइंग करने का, जिन्होंने बाइंग किया होगा प्रॉफिट में होंगे या फिर प्रॉफिट बुक किया होगा। तो अगर हम देखें तो HDFC का जो पूरा ग्रुप है वो जब चलता है ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, जैसे HDFC AMC देखा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी जब चलेगा ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मार्केट कैप 1,24,000 करोड़ है, करंट प्राइस 579 है, लो इसका 458 गया है, और इसका हाई जो है ना 711 है इस 52 वीक का। अगर हम देखें स्टॉक का पी 81.7 दिख रहा है, इंडस्ट्रीज का पी 41.8 है, बट पी को आप इस तरह से मत देखिए कि पी स्टॉक का ज़्यादा है, और पी को एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगता, एक दो क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए ना तो सारा पी वहीं के वहीं पहुंच जाता है। तो ये आप फ्यूचर पी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा फ्यूचर पी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर उसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिटेल में बता दूंगा, एक बार समझा दूंगा तो सारा कुछ आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। बुक वैल्यू 65 है, और डिविडेंड भी देती है 0.33%, ROC 9.56 है, ROE भी 9.757 है, तो विच इज़ गुड यहाँ पर। एंड अगर हम देखें इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ नहीं है, लोन प्लेज परसेंटेज भी नहीं है कुछ भी, तो ओवर देखें तो काफ़ी कुछ अच्छा मिल रहा है। अगर हम इसका मीडियन पी भी देखें ना तो अगर 5 साल का, तो मीडियन पी भी इसका 90 है, और उससे अभी सस्ता ही मिल रहा है। तो वी कैन से दैट हियर कि इट इज़ चीपेबल एज फार एज माई माइंड इज कंसर्न, जहाँ तक मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ और सब समझता हूँ। तो ये सिर्फ मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई मैं हमेशा बोलता हूँ कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। एंड चलिए बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो रिजल्ट नो डाउट इनकी सेल्स जो है ना वो हर क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो रही है, और अभी जो सेल्स आई है ना दिसंबर 2023 में, विच इज़ हाईएस्ट एवर, 26,927 करोड़ की इन्होंने सेल्स की है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 265 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम दिस लेवल। एंड अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंश्योरेंस सेक्टर में इतना ही रहेगा, ऐसा जितना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एंड अगर हम देखें अदर इनकम भी अच्छी खासी है, 102 करोड़, विच इज एडजस्टेबल, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ ज़्यादा कुछ घटा है बढ़ा है। एंड दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट 367 करोड़ का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और यहाँ पे इन्होंने टैक्स कुछ पे आउट नहीं किया है, तो 368 करोड़ इनको नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। एंड अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ये सब चीज़ें ऐसे ही प्ले आउट होती है, और
उसका रीजन भी है क्योंकि ये सब बिजनेस ही ऐसा है। एंड अगर हम इसके ब्याप पे देखें, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नो डाउट मुझे कंपनी काफ़ी कुछ अच्छी करती हुई नज़र आ रही है। एंड सेल्स में 94,298 करोड़ यहाँ पे सेल्स दिख रही है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में दिख रहा है 181 करोड़, बट मुझे ऐसा लग रहा है एक क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे तो ये प्लस में ही आ जाएगा। एंड अदर इनकम भी अच्छी खासी दिख रही है 1,233 करोड़ की। एंड उसके ब्याज पे अगर हम अदर इनकम देखें तो अदर इनकम अभी से ही इंक्रीज हुई है और विच इज एडजस्टेबल, मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अगेंस्ट में देखें तो 1,524 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम हियर। एंड एक साल में सिर्फ 17% का रिटर्न दिख रहा है और 3 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला है, तो यहाँ से मुझे रिटर्न की उम्मीद है। बैलेंस शीट में देखें तो 2,150 करोड़ का इक्विटी है और 11,518 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, 950 करोड़ की बोरिंग है। और अदर असेट में देखेंगे तो कैश इक्विवेलेंट में 576 करोड़ पड़ा है, तो विच इज वी कैन से दैट जीरो डेट कंपनी के आसपास ही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। 50.37% प्रोमोटर के पास है, FIV 31.28 लेके बैठे हैं, DI की होल्डिंग 6.56 है, पब्लिक के पास सिर्फ 11.76 दिख रहा है, बट एक्साइड इंडस्ट्रीज की भी यहाँ पे 4.05 दिख रही है, तो तकरीबन 7% के आसपास पब्लिक की है, तो विच इज़ नॉट मोर देन कोई क्राइटेरिया से बहुत एडजस्टेबल है। इसके हिसाब से देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कंपनी के ऊपर जाने के। अब हम देख लेते हैं चार्ट पैटर्न, तो चार्ट में देखें तो स्टॉक एक अच्छा खासा रन ने भी बनाया यहाँ से, एंड फिर ये यहाँ पे आके करेक्ट हो गया और 709-710-711 रुपये के आसपास गया, और कुछ लोगों ने यहाँ से, जब मैंने बोला था तो यहाँ से इसका 40% प्रॉफिट बुक हुआ होगा, 30-35% के आसपास, तो उन्होंने बुक कर लिया होगा, और विच इज मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी रहा होगा जहाँ डबल बॉटम बना के जब गया ये, हाँ दिस इज 50% के आसपास, तो यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न फिर से नज़र आ रहा है, एंड विच इज वेरी गुड सपोर्ट, और कभी सपोर्ट बना कभी रेजिस्टेंस बना, वो एक अच्छे पॉइंट पर अभी आज जाके बंद हुआ है। मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिखता है, बट मुझे लगता है यहाँ से और नीचे जाना चाहिए। बट अगर हम देखें ना तो स्टॉक का सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो टारगेट स्टॉक का जो नियर हाई है वही रहेगा, दिस इज 709। अगर हम करंट प्राइस से लेके देखें तो नियर अबाउट 20% के आसपास जाना चाहिए, 22%, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न। अगर हम देखें दो तीन से चार महीने मिल जाए तो दैट इज मोर देन इनफ, अगर हम बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप के रिटर्न मिलते जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग में तो काफ़ी कुछ रिटर्न बनता जाएगा। सेकंड टारगेट विल बी अ दिस वन, एंड दिस इज द 781, एंड और जो मेन टारगेट जो है ना वो ये ही, अगर आप इस टारगेट के लिए ही काम कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा 35% के आसपास यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा, और जो 781 के आसपास जाएगा मेरे हिसाब से, दिस इज या 780 के आसपास जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये एक अच्छा खासा हेल्दी टारगेट है 781 के आसपास, यहाँ तक स्टॉक को डेफिनेटली जाना है आज नहीं तो कल, बट आप कोई मेरे हिसाब से बाय मत करना, अपना ड्यूलेस करना, अपनी समझ बनाना। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कितना ऊपर जाएगा अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी इंश्योरेंस सेक्टर भी बढ़ेगा, और इंश्योरेंस सेक्टर जो एक लीडिंग बैंक है HDFC, तो उनका तो सबसे पहले बढ़ना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो जरूर बताइए। तब तक अपने और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑल्सो, बिकॉज मेरा नंबर भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया 9826287440, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कॉल मी ऑन दैट नंबर। जब कभी ऐसा लगेगा तो हम एक व्हाट्सअप कॉलिंग भी रख लेंगे अच्छा खासा ग्रुप बना के, बट अभी आप अपने मैसेज डाल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो तब तक ध्यान रखिए अपना पोर्टफोलियो, बाय बाय।